हेलो स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी आईडिया के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कड़वे सर फिर से आपके लिए आईटीआई से संबंधित फिटर ट्रेड थेरी से संबंधित जो आगामी जो अपनी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ थेरी से रिलेटेड प्रश्न निकाले हुए हैं जो आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा फिटर फर्स्ट ईयर थेरी के अंतर्गत। फिटर फर्स्ट ईयर थेरी के अंतर्गत यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं और उनके आंसर को भी अपन यहाँ बाकायदा यहाँ दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं फिटर ट्रेड से संबंधित थेरी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला जो आज का हमारा जो प्रश्न है वह है प्रश्न क्रमांक एक, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल जो होता है ये स्टील रूल के टाइप्स में से एक टाइप है, एक प्रकार है। उस रूल का जो प्रयोग है वो किस कार्य के लिए किया जाता है, मतलब किस प्रकार के मेजरमेंट को मापने के लिए किया जाता है। तो उसका आंसर जो होता है वो है पैटर्न बनाते समय पैटर्न, मतलब गर्म धातु को मापते समय श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है पैटर्न बनाते समय, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर दो, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। जो बेंच वाइज होता है, बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो बेंच वाइज का जो साइज है उसका आंसर जो है वो होता है जॉस की चौड़ाई से, बेंच वाइज की जो जॉ होती है उस जॉ प्लेट की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे अंडर कट लगाने का मुख्य कारण क्या है। जो ट्राई स्क्वायर होता है उस ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के नीचे एक छोटा सा अंडर कट बनाया जाता है, वह अंडर कट बनाने का मेन कारण क्या है। तो उसका जो मेन कारण है वह है जॉ के किनारों की बर्स को स्थान देने के लिए। जब अपन फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते समय जो आपके किनारों के ऊपर बर्स आ जाती है छोटी छोटी, उन बर्स को जगह देने के लिए वो अंडरकट लगाया जाता है ताकि आपका जो माप है वो सही तरीके से अपन देख सके। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, फाइल को किस धातु की बनाई जाती है या फाइल किस धातु की बनाई जाती है। तो फाइल बनाने के लिए जो धातु उपयोग में लाई जाती है वो होती है हाई कार्बन स्टील। उसका आंसर हाई कार्बन स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील से फाइल को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, वर्नियर कैलिपर से संबंधित है। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, मतलब तो वर्नियर कैलिपर से कम कितना माप हम लोग ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो mm में और इंच में, इसका जो आंसर है वो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर से 0.001 इंच तक लिया जाता है। मतलब कम से कम वर्नियर कैलिपर से 0.02 mm से 0.001 इंच तक कम से कम माप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फाइल से संबंधित चिजल से संबंधित है। क्रॉस कट चिजल का प्रयोग किया जाता है। चिजल के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों में से एक प्रकार जो है वो है क्रॉस कट चिजल का। तो क्रॉस कट चिजल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो उसका जो उपयोग है, चिजल का जो उपयोग है क्रॉस कट चिजल का, वो चाबी घाट बनाने के लिए किया जाता है। चाबी घाट मतलब की वे बनाने के लिए क्रॉस कट चिजल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर से चिजल से ही संबंधित और एक प्रश्न पूछा गया है, चिजल किस धातु की बनाई जाती है, मतलब छेनी को बनाने के लिए किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। जैसे कि चिजल जो है ये कटिंग टूल्स हैं और जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं वो लगभग हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, इस वजह से वो कठोर होता है, सख्त होता है और दूसरी धातु को आसानी से काट सकता है। तो इसलिए चिजल को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद हेक्सा से संबंधित प्रश्न है, ब्लेड हेक्सा ब्लेड पर धातु की सेटिंग के कारण ब्लेड, मतलब हेक्सा ब्लेड पर धातु की सेटिंग के कारण ब्लेड के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता है। हेक्सा ब्लेड की धातु की जो सेटिंग होती है, एक दांत को दाएं, एक दांत को बाएं, एक दांत को दाएं, एक दांत को बाएं, फिर दो दांत को दाएं, फिर दो दांत को बाएं, इस प्रकार से उसको मोड़ा जाता है। तो वो सेटिंग करने का क्या कारण है, किस कारण के लिए सेटिंग करते हैं। तो उसका जो मेन कारण है वो है घर्षण को कम करने के लिए, मतलब घर्षण कम होती है हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने की वजह से, जॉ और हेक्सा ब्लेड के बीच में घर्षण कम होती है ना। आगे बढ़ते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर संबंधित प्रश्न है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब जो आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसके पहले भी अपन आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में अपना लेक्चर लगा था, तो उस समय लेक्चर में मैंने बताया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर
होता है उसका कम से कम लिया जाने वाला जो माप है वो कहलाता है उसका लिस्ट काउंट। तो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, मतलब कम से कम आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम कितना माप ले सकते हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से कम से कम लिया जाने वाला जो माप होता है वो होता है 0.01 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेंच वाइज से संबंधित प्रश्न है, बेंच वाइज का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है। जो बेंच वाइज होता है उस बेंच वाइज के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, उन्हीं पार्ट्स में से इंटरनल पोर्शन का जो पार्ट होता है बॉक्स नट। तो उस बॉक्स नट को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बेंच वाइज का बॉक्स नट बनाने के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है ना, भंगुर धातु होती है। कभी कभी हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा स्पिंडल को टाइट करते हैं, तो उस वजह से नट अंदर के अंदर टूट भी जाता है ना, मेटल की धातु होती है कास्ट आयरन। उसके बाद अंतिम प्रश्न, सेफ एज फाइव का प्रयोग किया जाता है। सेफ एज फाइव मतलब हैंड फाइव को ही सेफ एज फाइव कहते हैं, मतलब हैंड फाइव का ही दूसरा नाम सेफ एज फाइव है। तो इसके एक एज के ऊपर दाते कटे होते हैं, दूसरे एज के ऊपर दाते कटे नहीं होते, इस वजह से उसको सेफ एज फाइव कहा जाता है। तो सेफ एज फाइव का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। इसका जो आंसर है वो है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, मतलब जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर से संबंधित, मान के चलिए 90 डिग्री में कोई भुजा बनी हुई है और एक प्लेन भुजा बनी हुई है, तो उस स्ट्रेट भुजा को बचाने के लिए सेफ एज फाइव का उपयोग किया जाता है। सेफ एज फाइव का दूसरा नाम हैंड फाइव के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर से मैं कल आपके सामने एक नया विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।